भक्तों, आज हम सुनेंगे गौ सेवा के फल की सच्ची कहानी कि कैसे गौ सेवा से यम यातना भी छूट गई। एक मनुष्य ने जीवन भर पाप ही किए थे। एक दिन उसने रास्ते में जाते हुए देखा कि एक घायल गाय पड़ी है और उसके शरीर में सड़ा घाव है, दुर्गंध आ रही है, कीड़े पड़ गए हैं। उसे गाय पर दया आ गई। उसने एक उंगली से गाय के कीड़े निकाले और उसी उंगली से रोज घाव पर मलहम लगाने लगा। धीरे धीरे घाव मिट गया, दुर्गंध जाती रही, गाय स्वस्थ होकर चलने फिरने लगी। मरने के बाद उस मनुष्य को यमपुरी में ले जाया गया। वो अपने दुष्कर्मों का स्मरण करके दुखी हो रहा था और भूख प्यास से पीड़ित था। यमराज ने पता लगाया तो उसके जीवन में सब पाप ही पाप थे। एक सत्कर्म था, उंगली से गाय के कीड़े निकाले थे और घाव पर दवा लगाई थी। यमराज ने संतुष्ट होकर उंगली चूसने को कहा। आदेश पाते ही उसने मुंह में उंगली लेकर चूसना शुरू किया। उंगली से रस भरी अमृतमयी दुग्ध धारा निकली और वो उसका पान करके शुद्धा पिपासा की पीड़ा के साथ ही तमाम पापों से मुक्त हो गया। तो श्रोताओं, ये थी गौ सेवा से यम यातना छूटने की कथा। अब आप सुनिए गौ भक्ति की दूसरी सच्ची कहानी। कोल्हापुर राज्य और ब्रिटिश राज्य के बीच सीमा पर धुंधकी नाम का एक छोटा सा गांव है। गांव के देवालय में एक गौ रहा करती थी। लगभग 100 वर्ष पहले की घटना है। कुछ कसाई कोल्हापुर राज्य में गौएं खरीद कर अंग्रेजी राज्य में ले जाते हुए इस गांव के जंगल में पहुंचे। उनके साथ की गौओं में कुछ बछियाएं भी थी। इन्हें क्या पता जो हमें जीवन के उस पार उतारा जा रहा है। पर वो इतना समझती थी कि किन्हीं कठोर हाथों ने हमें बांधा है। इस बंधन को तोड़कर वे निकल भागना चाहती थी। उनकी पीठ पर कसाईयों के डंडे पड़ रहे थे, फिर भी वे बंधन तोड़कर भागने का प्रयत्न कर रही थी। उनमें से एक किसी तरह से वहां से निकल भागी और सीधे गांव के मुखिया के घर में घुस गई। कसाई के नौकर उसके पीछे लगे थे, पर वो उनके हाथ ना आई। कसाईयों और गौओं का ये रंग ढंग देखकर गांव के चरवाहों ने बाकी गौओं को भी भगा दिया। तब कसाईयों और चरवाहों में बहुत कहा सुनी हुई। शरणागत को भला हिंदू होकर वे कैसे छोड़ सकते थे। हिंदू धर्म की तो एक मुख्य बात है, शरणागत कहूं जे तज ही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मई तिन्हहि बिलोकत हानि। एक तो शरणागत, दूसरे गौ माता, जिनके लिए पूर्व के लोगों ने स्वयं को भी न्यौछावर किया था। ऐसे सुदृढ़ परंपरागत संस्कार जिनके हैं, वे ग्वाले गडेरिये भला उन गौओं को कैसे छोड़ देते। बड़ी हुज्जत हुई। हाँ नहीं करते करते बात उस बछिया की कीमत पर आई। कसाई 50 रुपए देने को तैयार हुए, पर उस बछिया के लिए। आखिरकार उनमें वाद विवाद होने लगा। एक तरफ ये 3-4 कसाई और दूसरी तरफ गांव के सब लोग। कसाईयों के मिजाज ठंडे हुए। तब उन्होंने सरकार दरबार का रास्ता लिया। उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का बल था और जिस मुखिया के यहाँ वो गौ स्वयं आ गई थी, उसे धर्म की एकता का बल था। दोनों की भिड़ंत हुई। पॉलिटिकल एजेंट ने महाराज को लिखा और महाराज ने मुखिया को तलब किया। तब गांव के सब लोग बचिया को संग लेकर महाराज के पास गए।
बछिया को महाराज के सामने करके सारा हाल सुनाया और बोले, आप गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हैं, इसे हम लोग आपके हवाले करते हैं। आप चाहे तो इसे कसाईयों के हाथ में दे दें, अंग्रेज सरकार को दे दें या गांव को दे दें, आप ही इसके विधाता हैं। महाराज ने गांव वालों का कहना सुनना समझ लिया और गौ गांव वालों को ही सौंप दी और ये आज्ञा दी कि करवीर कोल्हापुर राज्य में कसाई रोजगार न करे। हिंदू धर्म की दृष्टि से इसमें कोई नई बात तो नहीं हुई, पर आगे की घटना हृदय को बेधने वाली है। गांव वालों ने ये गौ गांव के शिवालय में श्री शंकर जी को अर्पण कर दी। तब से मृत्यु होने तक वो गौ उसी शिवालय में थी, कभी किसी खेत में नहीं गई, किसी पशु से लड़ी भी नहीं, कभी ऋतुमती भी नहीं हुई, तो फिर गाभिन कहां से होती। पर जिस दिन श्री शिवार्पित हुई, उस दिन से अपने जीवन के अंतिम दिन तक शिवजी के पंचामृत के लिए प्रतिदिन आधा सेर दूध दिया करती थी। तो सुना आपने गौ भक्ति की और गौ माता की ये चमत्कारिक कहानी। आइए अब सुनते हैं गौ भक्ति की एक और सच्ची कहानी। सतारा जिले के कराड़ तालुके में कासार सिरबा नाम का एक ग्राम है। यहाँ के रहने वाले गोविंददास महाराज महान गौ भक्त थे। उनकी गौ भक्ति की कथा अतिशय हृदय स्पर्शी है। इनके मठ में इनके बैठने और सोने के स्थान को छोड़कर बाकी सब जगह गौओं के गोठों से ही भरी हुई थी। इन गौ बछड़ों की सेवा करने में ही इनका सारा दिन बीतता था। एक बार इनकी कुछ गौएं खो गई। इन्होंने तहसीलदार की कचहरी में दरख्वास्त दी और यूं टहलते टहलते पास के बेलवड़ बाजार में गए तो खोई हुई गौओं में से कई इन्हें कसाईयों के हाथों में देख पड़ी। इन्होंने पुलिस में इत्तला दी। कसाईयों ने कुछ सबूत पेश किए ये दिखाने के लिए कि गौएं हमारी हैं। इनसे पूछा गया, आपके पास कोई सबूत है? इन्होंने जवाब दिया, मेरी गौएं ही मेरा सबूत है, वे ही मेरी गवाही देंगी। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। जो बोल नहीं सकती वो गवाही कैसे दे सकती है? पर श्रद्धा भक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जड़ पाषाण की मूर्ति यदि भोग पा सकती है तो विश्व जननी गौ माता अपने भक्त की ओर से गवाही क्यों नहीं दे सकती? तहसीलदार ने जब पूछा कि आपकी तरफ से कौन गवाह है, तो गोविंददास जी ने गौ की तरफ उंगली से इशारा किया। तहसीलदार ने कहा, आप गौओं की तरफ इशारा करते हैं, पर ये गौएं आपकी हैं, इसका सबूत क्या है? गोविंददास जी ने उत्तर दिया, सबूत? जगत की सब गौएं हम तपस्वी ब्राह्मणों की हैं। आप चाहें तो शास्त्रों को देख सकते हैं। तहसीलदार ने कहा, ये सबूत तो द्वापर युग का है, आज इससे कोई मतलब हासिल नहीं हो सकता। ये गौएं आपकी हैं तो कोई रसीद पुर्जा या कोई कागज आपके पास ऐसा है जो आप सबूत में दाखिल कर सके? गोविंददास ने कहा, कागज वागज मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरी गौ माताएं ही मेरी गवाह हैं। मैं इन्हें बुलाता हूँ, ये यदि मेरे पास आ जाए और अपना प्यार दिखा दे तो आप मानेंगे या नहीं? तहसीलदार तथा प्रतिपक्षी लोग जब राजी हुए तब गोविंददास जी ने गौओं को पुकारा। गंगा, गोदा, यमुना, कृष्णा, सावित्री, मेरी माता, आओ आओ मेरी माता आओ। इस तरह पुकारते हुए ज्यों ही उन्होंने उन गौओं को अपने पास आने के लिए हाथ से इशारा किया, त्यों ही सब गौएं अपना बंधन तोड़ाकर उनके पास दौड़ गई और उनका बदन चाटने लगी। सब लोग और कसाई भी देखकर दंग रह गए और गौएं गोविंददास जी के पीछे पीछे मठ के अंदर अपने गोठों में आ गई।
बेलवड़ के बाजार की तरफ तब से गोविंद दास जी की विशेष दृष्टि हो गई। तो श्रोताओं, ये थी गौ मैया